हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप सबको आलिया भट्ट ने जैसे रॉकी और रानी में मेकअप किया है, मैं वैसा बताऊंगी। हाँ, उसने बोल्ड लिप्स नहीं रखे थे, बट मैं बोल्ड लिप्स रखूंगी, बाकी का मेकअप सेम होगा। तो यहाँ मैं फाउंडेशन में पानी डाल के ये जो हैक होता है वो मैं कर रही हूँ। ये मैंने पहले भी किया था तो मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आया था, एकदम स्किन लाइक फील होता है फाउंडेशन। तो मैंने सोचा वापस ये ऐसा ही टेक्निक से फाउंडेशन लगा लूँ। तो ये मैंने ब्लेंड किया पूरे फेस पे और वापस सेम रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा था। फिर मुझे थोड़ा सा टिंट चाहिए था तो मैंने एलाना का बीटरूट टिंट लगाया अपने नोज़, चीक्स और चिन पे, क्योंकि आलिया भट्ट भी रॉकी और रानी में बहुत पिंक थी। और फिर ग्लो के लिए मैंने नायका का स्ट्रोबन ग्लो लगाया अपने चीक्स पे, तो वो शाइन अपने आप आ गया। फिर मैंने पूरा फेस मेरा सेट किया फिट मी लूज पाउडर से, क्योंकि उसने भी ज़्यादा नहीं दिखाया है। फिर मैंने थोड़ा और पिंक चीक्स को करने के लिए स्विस ब्यूटी का ब्लश और हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया और काफ़ी शाइन और पिंक जैसे वो दिख रही है ऑन स्क्रीन, वैसा मैंने ट्राई किया। फिर आईज़ के लिए भी आलिया भट्ट ने सिर्फ ब्राउन न्यूट्रल शेड्स लगाए थे और आईलाइनर लगा के उसको स्मच किया था, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ लुक में किया है। आपको पहले कोई भी जेल लाइनर लगाना है और उसे अच्छे से स्मच करना है, तो मैंने भी वैसे ही किया। अगर आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो आप काजल लगा के भी, जो स्मच वाला काजल होता है, उसको ऐसे ही कर सकते हो। आपको थोड़ा और इंटेंसिफाई करना है तो ब्लैक आई शेडो से और थोड़ा स्मच कर सकते हो, तो वैसा ही थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने यहाँ ए वॉल्यूम मस्कारा लगाया है फ्रॉम लॉरियल, कोई भी आई लुक मस्कारा के बिना अधूरा होता है, तो मैंने भी यहाँ भर भर के मस्कारा लगाया मेरे अपर और लोअर लैशेस दोनों पे। आई शेडोज फिल करने के लिए भी मैंने हुडा ब्यूटी का ब्लैक आई शेडो ही मेरे आईब्रोज पे भी लगा दिया। और क्योंकि मेरा पूरा मेकअप इतना न्यूट्रल था तो मैंने सोचा रेड लिप्स कर लूँ, वो क्लासिक लगता है ब्लैक आईलाइनर के साथ। और ये है मेरा फुल लुक, बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपको और थोड़े ऐसे लुक्स देखने हैं सिंपल और फटाफट करने वाले तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं और लुक्स भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, सी यू अंटिल।